हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई सिटी सेकेंडरी नेवर केप्ट ओपन सर्किटेड। सिटी की सेकेंडरी ओपन क्यों नहीं रख सकते करंट ट्रांसफार्मर का, ये आज का टॉपिक है दोस्तों। सो सिटी करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इज नॉट केप्ट ओपन सर्किटेड बिकॉज डूइंग सो कुड बी डेंजर एंड कैन लीड अ डैमेज और माल फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला रीज़न तो ये है कि एक इससे डेंजर हो सकता है और लीड्स टू डैमेज और माल फंक्शन। डैमेज हो सकती है अपने सिटी सेकेंडरी और माल फंक्शनिंग कर सकता है अपना करंट ट्रांसफार्मर। देन व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सिटी इज ओपन सर्किटेड, इट मींस देयर इज़ अ नो लोड। सपोज हम कह रहे हैं कि ओपन सर्किटेड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई नो लोड मतलब लोड कनेक्ट नहीं है सेकेंडरी साइड में। दिस कॉज द सेकेंडरी करंट टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली और इवन बिकम अ जीरो। इससे क्या हो रहा है कि अपना करंट तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है या वो ज़ीरो है, आप कंसिडर कर सकते हैं वो ज़ीरो है क्योंकि वहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है। विदाउट लोड द सिटी कुल सैचुरेट, लोड के बिना सिटी सैचुरेट हो सकती है कॉजिंग अ वेरी हाई वोल्टेज अपियर अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल्स। और इससे क्या होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियली डैमेजिंग द इंसुलेशन एंड अदर कनेक्टेड इक्विपमेंट। इससे चांसेस है कि आपका सेकेंडरी का इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और कुछ इक्विपमेंट्स उसमें कनेक्ट हो तो वो भी डैमेज हो सकते हैं। एडिशनली सिटी आर डिज़ाइन टू वर्क अंडर स्पेसिफिक लोड कंडीशन, तो इसीलिए सिटी डिज़ाइन की रहती है कि उसे ऑलवेज कुछ स्पेसिफिक लोड कंडीशन पे ही ऑपरेट किया जाए। ओवर सर्किटिंग द सेकेंडरी कैन रिजल्ट इन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी करंट, डिफीटिंग द पर्पज ऑफ यूजिंग सिटी फॉर करंट मेजरमेंट और प्रोटेक्शन। सपोज ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर ओपन होता है तो जो उसका मेन पर्पज़ है प्राइमरी करंट उसको मेजर करना है, वो नहीं कर पाएगा एक्यूरेटली, वो जो पर्पज़ है सॉल्व नहीं कर पाएगा। इन नॉर्मल ऑपरेशन सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सिटी शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू बर्डन रजिस्टर और मेजरिंग डिवाइस टू इंश्योर द ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स विद इन इट्स इंटेंडेड पैरामीटर्स प्रोवाइड्स एक्यूरेट करंट मेजरमेंट। इसीलिए नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इतना इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपका सेकेंडरी वाइंडिंग शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू रजिस्टिव बर्डन और मेजरिंग डिवाइस आपकी ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन एक्यूरेटली परफॉर्म होने के लिए। सो ये तो एक साइड हो गई दोस्तों जिसमें हमने कंसिडर किया है जब आपका प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है सिटी में से, देन सिटी सेकेंडरी हमने केप्ट ओपन रखी है, तो ये क्यों नहीं रख सकते हमने देखा है। अनादर क्वेश्चन अभी अराइज होता है कि व्हेन देयर इज अ नो प्राइमरी करंट, अभी प्राइमरी करंट नहीं है अपने सिटी में, देन ऑल्सो हम उसे उसे शॉर्ट रखना ज़रूरी है, तो उसका भी आंसर देख लेते हैं। कीपिंग द सिटी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड व्हेन देयर इज अ नो प्राइमरी करंट फ्लोइंग इन द इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिटी। जैसे ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि इवन देयर इज नो प्राइमरी करंट, देन ऑल्सो आवर सेकेंडरी शुड बी शॉर्ट सर्किटेड। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर द सेफ्टी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिटी, सेफ्टी के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सिटी के। दिस इज डन टू प्रिवेंट द हाई वोल्टेज फ्रॉम बिल्डिंग अप द अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग व्हेन देयर इज अ नो करंट ऑन द प्राइमरी साइड। ये क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट हाई वोल्टेज जनरेट्स होने से प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करते हैं हम। When the primary current is zero or negligible, जब primary current zero है तब CT could still have residual magnetic flux, तब भी आपके CT में residual magnetic flux present रह सकते हैं due to remnants और external electromagnetic interference। एक ऐसा चीज़ है जैसे suppose अपने primary current flow किया then supply cut off कर दिया, then also there is possibility of availability of magnetic flux, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रहने की चांसेस है।
इफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज केप्ट ओपन सर्किटेड द वोल्टेज इंड्यूस बाय दिस मैग्नेटिक फ्लक्स कैन कॉज अ डेंजरस हाई वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल विच कैन लीड्स इंसुलेशन ब्रेक डाउन और अदर हजार्ड्स। सो ऐसा करने के बाद हम प्राइमरी सपोज प्राइमरी में से करंट पास किया हमने और कुछ देर बाद उसे सप्लाई बंद कर दिया है हमने, लेकिन आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग केप्ट ओपन है देन इससे डेंजरस हाई वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टर्मिनल्स जनरेट हो सकता है और हो सकता है उससे इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो या अदर हजार्ड हो सकते हैं। सो बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सेकेंडरी वाइंडिंग एनी इंड्यूस वोल्टेज इज डिसिपेटेड अक्रॉस द शॉर्ट सर्किट पाथ प्रिवेंटिंग हजार्डस वोल्टेज लेवल एंड इंश्योरिंग द सिटी रिमेन सेफ। सो सिटी सेफ कंडीशन में रहने के लिए और एनी हजार्डस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए इसे शॉर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। दिस प्रैक्टिस इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सिटी, और ये काफ़ी इसेंशियल है जो भी इक्विपमेंट्स कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी में उसके लिए भी, टू मेंटेन द ट्रांसफार्मर एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नो प्राइमरी करंट फ्लो, और ट्रांसफार्मर की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए भी इसे शॉर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, इसे जस्ट शॉर्ट नहीं किया जाता, इसको ग्राउंडिंग करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन देयर इज़ अ नो प्राइमरी करंट। इस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरह फॉलो करते हैं बिकॉज सपोज देयर इज़ अ वोल्टेज अवेलेबिलिटी एंड वी केप्ट सेकेंडरी ओपन सर्किटेड, सो ऐसे टाइम पे जो भी कोई ऑपरेटर वहाँ पे काम करेगा उसके लिए भी डेंजर हजार्डस सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सो उसे शॉर्ट करके ग्राउंडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, दैट्स वाई हम जीआईएस में उसे शॉर्ट लिंक से शॉर्ट करके देन उसे ग्राउंडिंग केबल कनेक्ट करके ग्राउंड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस बेसिक क्वेश्चन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में और इंटरव्यू के लिए भी पूछा जाता है, व्हाई सिटी सेकेंडरी नेवर केप्ट ओपन सर्किटेड। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और जिन्होंने जो भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं वो ज़रूर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखें, हमने काफ़ी बेसिक्स ऑफ जीआईएस रेटिंग रेटिंग प्लेट पैरामीटर्स सिटी रेटिंग प्लेट पैरामीटर्स जीआईएस देन एलसीसी के बारे में ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। सो होपफुली ऑल आर डूइंग वेल एंड बाय बाय। यस।